नमस्कार दोस्तों, मैं नीति अंकुर चौधरी एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आपका। रुद्र नॉलेज अब ये मेरा चैनल है और जो भी करंट में वीडियो आ रही है मैं आपके सामने ठीक है लेके आती हूँ। और आप मेरे चैनल पर जाएंगे और वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे जो भी करंट में वीडियोज है भाई वे सारी ठीक है कौन कौन सी आप जाके एक बार देख लीजिएगा ठीक है। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाई टीचिंग वैकेंसी। टीचिंग वैकेंसी भाई बहुत बढ़िया है, आपकी दिल्ली गाजियाबाद की वैकेंसी लेकर आई हूँ भाई कॉन्ट्रेक्चुअल ठीक है। सैलरी बहुत बढ़िया है ठीक है, और सैलरी का कोई भी इश्यू नहीं है ठीक है। चलती हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर ठीक है, वेबसाइट पर आ जाती हूँ। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आप जानते हो रोज़ नए नए राज्यों से निकल के आपकी वैकेंसी आती है भाई केवी की कॉन्ट्रेक्चुअल ठीक है। सैलरी फिक्स्ड है भाई, किसी की 23,250 है, किसी की 26,250 है, पोस्ट पर डिपेंड है। और 32,000 तक भी आपको सैलरी मिल सकती है ठीक है, सैलरी फिक्स होती है। अब मैं आ जाती हूँ भाई पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2024 और 2025। इस पर अगर मैं डाउनलोड पर क्लिक करती हूँ, फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी बनती है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं सबका रिप्लाई करती हूँ ठीक है। आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, जिस जिसने भी मुझे मैसेज किया मैंने सबका रिप्लाई किया है ठीक है। अब बात करती हूँ डेट एंड इंटरव्यू भाई आपका कब कब है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS हिंडन गाजियाबाद भाई, आपका हिंडन से निकल के आ रही है AFS से ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है 27 फरवरी 2024 को आपका इंटरव्यू होना है, ये 9 बजे से लेकर 1 बजे 11 बजे तक ठीक है। अब पोस्ट की मैं बात कर लूँ भाई, पोस्ट है आपकी पीजीटी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स ठीक है पॉलिटिकल साइंस। और टीजीटी की बात कर लूँ भाई मैं आपकी हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस सोशल साइंस ठीक है सोशल स्टडीज और संस्कृत, ये आपके टीजीटी के सब्जेक्ट हैं। और इंस्ट्रक्टर की मैं बात कर लूँ भाई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि कंप्यूटर आईटी और एआई योगा एंड गेम्स कोच क्रिकेट वॉलीबॉल एथलेटिक्स और बास्केटबॉल ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्टर के लिए निकली है। अब मैं बात करूँ पीआरटी भाई, पीआरटी की है भाई आपकी काउंसलर की है, स्पेशल एजुकेटर की है, म्यूजिक की है, आर्ट एंड क्राफ्ट की है एंड बाल वाटी का टीचर। आप भी जानते हो कि ये नई एनईपी से आपकी बाल वाटी का टीचर की वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर ठीक है, पाइप एंड ब्रेस बैंड ट्रेनर ठीक है। अब आपकी बार इनकी वैकेंसी निकल के आई है भाई कॉन्ट्रेक्चुअल। कैंडिडेट शुड कम विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स, विजिट विद्यालय वेबसाइट एज मेंशन बिलो, एज आल्सो डाउनलोड बायोडाटा फॉर्म एंड सबमिटेड ड्यूली फिल्ड इट एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको अपने जब आप उस दिन जाओगे 27 फरवरी को इंटरव्यू वाले दिन, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और आपके पास 2 फोटोज होने चाहिए, 2 या 3 फोटोज लेके चले जाना, और अपना रिज्यूमे इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन उस टाइम पे वो आपका रिज्यूमे मांगते हैं ठीक है। और जो फॉर्म मैं आपको बताऊंगी कैसे डाउनलोड करना है कैसे फिल करना है सारी चीज़ें बताऊंगी, वीडियो को स्किप नहीं करना है ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली नई नई आपके नए राज्यों से निकलती है वैकेंसी लेकर आती हूँ टीचिंग के लिए ठीक है। और नो टीडीए डी एडमिन फॉर द अटेंडिंग इंटरव्यू, आपको कोई टीडीए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं मिलेंगे उस दिन के ठीक है। अब मैं बात फॉर द क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर डिटेल्स काइंडली विजिट द, इन्होंने जो लिंक दे रखे हैं उन पर हम क्लिक करते हैं भाई, क्वालिफिकेशन क्या है इस पर मैंने कर लिया क्लिक ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करते हैं, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल हिंडन गाजियाबाद ठीक है। पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ पे कैपिटल लेटर में आप मेंशन करोगे, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, फुल नेम कैपिटल लेटर में आपको अपना नेम ठीक है यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल करोगे, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपका जहाँ पे रह रहे हो वो प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे आपकी एक्टिव ईमेल आईडी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, पासिंग ऑफ द ईयर मेन सब्जेक्ट नेम ऑफ द स्कूल बोर्ड पैलेस और नेम ऑफ कॉलेज, रेगुलर आपने रेगुलर किया प्राइवेट किया या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। हाई स्कूल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये आप सब कुछ मेंशन कर दोगे, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करोगे ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन और यहाँ पे आपकी डेट, यहाँ पे आपके सिग्नेचर
ठीक है, अब मैं बात कर लूँ क्वालिफिकेशन की। भाई पीजीटी के लिए क्या करना है, आपने आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो ठीक है, उसी सब्जेक्ट से, और उसी सब्जेक्ट से आपने यूजी कर रखा हो ठीक है, ग्रेजुएशन, और साथ में आपने बीएड कर रखी हो ठीक है। ये आपका पीजीटी के लिए, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप फिल करोगे। अगर मैं एक एक को बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी नहीं देख पाओगे। सेकंड है भाई, आपको इन्होंने डिजायरेबल, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने कहा, मांगा है कि भाई आपके 50% होने चाहिए, और बीटेक कर रखा हो आपने कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से ठीक है, या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपने किसी भी स्ट्रीम से बी या फिर बीटेक कर रखा हो तो भी, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ले रखा हो भाई आपने कंप्यूटर साइंस का, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो या फिर एमसीए कर रखा हो ठीक, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएससी कर रखी हो आपने कंप्यूटर साइंस, या फिर बीसीए कर रखा हो, और या फिर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए भाई आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ठीक है, या फिर आपने बी लेवल का कोई सर्टिफिकेट ले रखा हो, सी लेवल का ले रखा हो, डोएक का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए ठीक है। अब टीजीटी के लिए भी यही है भाई, आपने 3 साल का कोर्स कर रखा हो उसी सब्जेक्ट से, तीनों साल में आपको वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और आपने बीएड कर रखी हो, और आपका आपका सीटेट सेकंड लेवल सेकंड का पास होना चाहिए जूनियर लेवल का ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीआरटी के लिए भाई वही है, आपने 12th कर रखी हो, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ठीक है, और आपने बीएलएड कर रखी हो या फिर आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ाना आना चाहिए ठीक है, या फिर डीएलएड कर रखी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट आप देख सकते हो, सारी क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ठीक है, देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको फॉर्म फिल करके किसी भी निकट के साइबर कैफे पर जाके आपको अपना फॉर्म को प्रिंट करा लेना है, और फिर उसको कैपिटल लेटर में फिल करना है ठीक है, गलत नहीं करेंगे। और 27 फरवरी को आप अपने यहाँ पे 27 फरवरी को आप अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, AFS हिंडन में ठीक है, और नंबर 1 में, दो स्कूल एंस के नंबर 1 और नंबर 2 ठीक है, नंबर 1 में आपको जाना है और अपना इंटरव्यू देके आना है, 11-12 बजे तक फिनिश हो जाएगा ठीक है। इंटरव्यू कोई बात नहीं है, बड़ा इजीली इंटरव्यू लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ किस किस तरह के क्वेश्चंस में पूछते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी बनती है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।